हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है जी। आपके कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, व्यापम में जाएंगे तो सीजी पुलिस, ऑस्टन वार्डन, प्रयोगशाला, ठीक है जी। इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। जो भी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम हो गए उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ये सभी जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो जनगणना से जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। पिछले सेशन 25 क्वेश्चन में मिक्स क्वेश्चन कवर कराया था, तो हम यहाँ से 26वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो क्वेश्चन है आज का 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर यहाँ पे कम है। कौन सी जनजाति के अनुसूचित जनजातियों में ये आपका जो है 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है। बीजापुर में, दंतेवाड़ा पे, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर या कांकेर में। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, दंतेवाड़ा। याद रखिए, तो 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा जो जिला है यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर, जिसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं, ठीक, ये जो साक्षरता दर सबसे कम है आपका दंतेवाड़ा में। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिलों में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से जिले में जीरो से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात अधिक है। कांकेर, दंतेवाड़ा, जसपुर या सरगुजा या दुर्ग जिले में, ठीक है। तो इसका भी आंसर दंतेवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी जिला में, तो दंतेवाड़ा में लगभग 0 से लेकर 6 वर्ष तक के, ठीक है, 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु में जो है लिंगानुपात कौन से जिले में सबसे ज़्यादा अधिक है। तो 0 से लेकर 6 वर्ष के एज में जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अधिक आपका दंतेवाड़ा में, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखें, 0 से 6 वर्ष के एज में जो है लिंगानुपात अधिक आपका दंतेवाड़ा है। तो इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार दंतेवाड़ा जिले में 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात अधिक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 2001 से लेकर 2011 की अवधि में कौन सी जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। महासमुंद, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा या आपके कांकेर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2001 से लेकर 2011 की अवधि में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, कि 2011 का। तो 2001 से लेकर 2011 के अवधि में कौन सी जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे जो है अधिक रही है, तो आपका बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला देखें 2001 से लेकर 2011 का अवधि में जो है बिलासपुर जिला के जो पॉपुलेशन जो है जो रेट है ये सबसे ज़्यादा अधिक रही है 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है जी। तो दिए गए विकल्पों में 2001 से लेकर 2011 की अवधि में बिलासपुर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 18 जिले में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 18 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले में जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या सबसे कम रही है, 10, 11, 12, 13 या 9। इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। यहाँ पे वही बोला जा रहा है 2011 के जनगणना में, ठीक है, मतलब 18 जिलों के हिसाब से डाटा लिया है। तो 18 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या सबसे कम रही है। यहाँ पे लगभग 11 जिलों में जो है स्त्रियों का अपेक्षा जो है मतलब जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम रही है, ठीक है, इसको याद रख। तो 2011 की जनगणना 18 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम रही है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से जिले में साक्षरता दर अधिक है। साक्षरता, ठीक है, साक्षरता लिटरेसी रेट सबसे अधिक है धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर, जसपुर या बिलासपुर जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो इसका जो है धमतरी जिला हो जाएगा, ठीक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में धमतरी जिले में जो है साक्षरता दर सबसे जो है अधिक है, ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला यहाँ पर जो है साक्षरता दर जो है अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कौन सी जनजाति की, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, चकमा, गोंड, भुंजिया, कमार या धुरा जनजाति। तो यहाँ पर जो है कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है उसको बताना है। तो लगभग गोंड जनजाति देखेंगे, छत्तीसगढ़ में लगभग 56% जो है गोंड जनजाति इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं, जिसमें भी राजगोंड,
राजगौड़ जो जे गौड़ जनजाति में जो है, ये राजगौड़ जो है सबसे बड़ी जनजाति इसको मानी जाती है। ठीक है, तो लगभग 56% गौड़ जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है ये मिक्स क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तस्मही क्या है? खीर, हलवा, पूरी, मालपुआ। तो तस्मही क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन आपका CGPSC लाइब्रेरियन और स्पोर्ट ऑफिसर 2017 के पेपर में आया हुआ है। तो तस्मही क्या चीज़ है, तो ये जो है आपका खीर है। याद रखिए तस्मही जिसको हम खीर बोलते हैं, आप सभी को पता होगा खीर कैसे बनता है। दूध, ठीक है, इसमें शक्कर वगैरह डाल के, दूध वगैरह डाल के चावल से जो है बनाया जाता है। इसमें काजू किशमिश जो भी आप स्वाद के अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका PSC लाइब्रेरियन और स्पोर्ट ऑफिसर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तरह का जो है चावल से बनाया हुआ एक मीठा व्यंजन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? नवरात्रि में, रक्षाबंधन, नवाखाई या छमर कमरछठ या इनमेश पुनी। ये आपके PSC स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया हुआ है। कौन से त्यौहार में पसहर चावल को उपयोग जो है अनिवार्य होता है? तो जो आपका चमर कमरछठ होता है जो यहाँ पे हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, तो इस त्यौहार में जो है पसहर चावल का उपयोग किया जाता है कमरछठ त्यौहार में। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो भादो माह के, ठीक है जी, तो भादो माह के कृष्ण पक्ष जो है षष्ठी को मनाया जाने वाला जो कमरछठ या इसको हर षष्ठी पर्व भी कहा जाता है, जिसमें माँ अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है, इसमें पसहर चावल का उपयोग करके जो है अनिवार्य रूप से इसमें जो है किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा छत्तीसगढ़ के जो मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? पीड़िया, पपची, खुरमी, कारी लाड़ू या आपका ओरसा। और के क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, स्टेट PSC में इंजीनियरिंग के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो मिष्ठान है राजीव लोचन मंदिर, ठीक है जी, तो भगवान जो है राजीव लोचन का जो मंदिर, यहाँ पे जो प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है पीड़िया है। ठीक है, पीड़िया बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में इसका वितरण किया जाता है, इसका नाम है आपका पीड़िया। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। एक तरह का मिठाई समझ सकते हैं जो को जो है यहाँ के जो भक्तों को जो है प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो चावल से बनाए जाते हैं, ठेठरी, चौसेला, खुरमी, आयरसा, यहाँ पे जो है मैच करना है आवा, बासा, आयमसा, बायमदा, चावल से बने हुए जो है व्यंजन को मैच करना। और एक क्वेश्चन कहाँ पूछा है, PSC असिस्टेंट प्रोफेसर में 2009 के पेपर में आया हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौसेला और आयरसा। ये चौसेला और जो आयरसा है इसको जो है ये मतलब जो है किससे बनाया जाता है, चावल से इसको जो है बनाया जाता है। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाया जाने वाला आपका जो है कौन कौन सा हो जाएगा, तभी ये आपका चौसेला और आपका ईर्षा, मतलब जो है डी ऑप्शन ब एवं द इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए आप। यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो ठेठरी बेसन एवं निर्मित एक नमकीन व्यंजन है, खुरमी गेहूँ के आटे से निर्मित जो है मीठा व्यंजन है, जबकि चौसेला चावल के आटे, गुड़ से निर्मित घी तलम में हुआ जो है व्यंजन है, ईर्षा चावल के आटे तक गुड़ चाशनी से बना मीठा व्यंजन है। ठीक है, आप खाते होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पपची के बारे में सही है, तो यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, यह गेहूं, चावल, आटे और गुड़ से आपका जो है बना होता है पपची, और आपका जो सब बोला यह एक जो है रसदार व्यंजन है। तो सही उत्तर चुनना है आबासा सही है, आबा सही है, बासा सही है एवं असही है। ठीक है, असिस्टेंट ये आपके पीछे असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 के पेपर में आया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ब सही, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है पपची, यह गेहूं, चावल के आटे और गुड़ से इसको बने पपची को बनाया जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में गेहूं और चावल के आटे से तथा गुड़ से पपची बनाया जाता है, यह स्वाद में मीठा तथा कुरकुरा होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनाते हैं? ठीक है, फरा मुठिया निम्न में किससे बनाते हैं, गेहूँ आटा, बेसन, चावल आटा से, मक्का आटा से या तिखूर से। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, फरा जो मुठिया है ये जो है जो व्यंजन है किससे बनाया जाता है, चावल के आटे से इसको बनाया जाता है, और PSC इंजीनियरिंग के जो सेट 2014-15 में क्वेश्चन आया हुआ। तो छत्तीसगढ़ में फरा चावल के आटे से बनता है तथा मीठा तथा नमकीन दोनों प्रकार से बनाया जाता है, फरा को भाप से जो है में जो है इसको पकाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका PSC फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित कौन सा जो व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है, तस्मई को, पपची को, देहरावरी को या आपके फरा को। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाए तस्मही हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ इसको खीर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका तस्मही बोलते हैं। ठीक है,
ये जो एक मीठा 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 व्यंजन है, ठीक। खीर, चावल का दूध वगैरह, काजू किशमिश डाल के इसको बनाया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे तस्मई चावल से बना खीर की तरह एक मीठा व्यंजन होता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन इसमें छत्तीसगढ़ के व्यंजन कौन नहीं है, ठेठरी, पपची, देहरौरी, पूरनपुरी। तो ये जो पूरनपुरी अभी तक के हम नहीं सुने, बाकी ठेठरी, पपची, देहरौरी अभी तक के हम पढ़ चुके हैं अभी इसके बारे में। तो हमारा छत्तीसगढ़ का व्यंजन है डी को छोड़कर, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे, ठेठरी, पपची तथा देहरौरी छत्तीसगढ़ के व्यंजन है, जबकि पूरनपुरी यहाँ का जो है परंपरागत व्यंजन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके पीएससी मेंस में 2011 का आया हुआ है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है जी, नमकीन, मसालेदार, मीठा या इनमें से कोई। तो इसका स्वाद कैसा होता है, छत्तीसगढ़ जो व्यंजन जो पपची का स्वाद यहाँ पे मीठा होता है, ये पीएससी मेंस में आया हुआ है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में जो पपची की बात करूँ, छत्तीसगढ़ में गेहूँ व चावल के आटे से तथा गुड़ से पपची बनाया जाता है, ठीक। किस किस चीज़ बनता है, छत्तीसगढ़ में गेहूँ चावल के आटे से तथा गुड़ से पपची को जो है बनाया जाता है। ये स्वाद में मीठा तथा कुरकुरा होता है, ठीक है जी, सभी को पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूँ से बनाए जाते हैं, खुरमी, बोबरा, इड़सा, चौसेला, कुट को मिला, इसमें ए एक और दो और तीन, एक और तीन, दो और चार, और में ए पी एस सी में आया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी व्यंजन गेहूँ से बनाया जाता है, खुरमी को और बोबरा को, एक और दो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो खुरमी जो है गेहूं के आटे से बना मीठा व्यंजन होता है, बोबरा भी गेहूं के आटे से बनाया जाता है, जबकि अड़सा तथा चौसेला को चावल के आटे व गुड़ से इसको बनाया जाता है, ठीक है जी। तो ये इसको याद रख। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन को जो है मतलब अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से जितने भी कंटेंट तैयार किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं, ठीक है जी। मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।